लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रोटेक 24x7 हाइब्रिड, लेकिन ये सोलर PCU नहीं है, ये सिंपल इन्वर्टर है जो 1075 इनका जो मॉडल है और 2 साल की इसकी वारंटी है। इसकी अनबॉक्सिंग साथ ही साथ इसकी क्या प्राइस रहेगी, ये सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसका प्राइस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह भाई हमारा माइक्रोटेक का हाइब्रिड 24x7, ये इसकी पैकिंग है, ये इसकी पैकिंग है, आप पैकिंग देख सकते हैं। ये माइक्रोटेक के प्रोडक्ट्स हैं जो जो आते हैं, इन्वर्टर, UPS, स्टेबलाइजर, सोलर वायर एंड केबल। अब ये इसकी साइड लुक है ये वाली, अभी इस पर MRP वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अभी देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन इसकी जो पैकिंग दी है कंपनी ने और इसकी जो कलर वगैरह है बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। निकालना भाई इसको, ये है भाई हमारा माइक्रोटेक हाइब्रिड 24x7 1075। और ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव में है, यानी कि ये जो स्क्वायर वेव वाली जो प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी में जो इन्होंने दिया है भाई, जो चार्जिंग है वो अच्छे लेवल की एक चार्जिंग इन्होंने दी है इसमें। ये है भाई हमारा इन्वर्टर, इसमें दिए हुए बटन्स मेन ऑन का है, UPS का, चार्जिंग का, ओवरलोड, बैटरी लो, CV ट्रिक, ये मॉडल, ये इनका पावर बटन है ऑन ऑफ का, ये माइक्रोटेक का इनका वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल भी है ये भाई, आप जो भी कुछ इसमें से देखना चाहें तो आप इसमें से देख सकते हैं। ये मैं आपको आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ इसकी कितनी, आउटपुट वोल्टेज जो UPS मोड पर है वो है 210 प्लस माइनस 10%। इनपुट जो ये लेगा 100 वोल्ट से 300 वोल्ट और नैरो रेंज में लेगा 180 से 260 वोल्ट। ये मोड आप बैक साइड से चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा आपको कैसे चेंज करने हैं। तो अभी देखते हैं भाई, ये इसका वारंटी कार्ड है बैक साइड में इसका, जो भी मॉडल आपने लिया है, ये 3-4 मॉडल्स का सेम ही वारंटी कार्ड है कंपनी का, 875 का, 1075 का और 1275 का। ये 12 वोल्ट में है सभी मॉडल्स, ये इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। ये है भाई, अभी देखते हैं इसकी साइड लुक कैसी है। ये इसकी साइड लुक है, अभी इसकी बैक साइड में चलते हैं। बैक साइड में ये जो बटन दिया हुआ है भाई, ये स्विच है, ये स्विच हमारा मेन का स्विच हो गया, और इसमें से जो हमारा AC आउटपुट का है ये मेन का स्विच हो गया। ये अगर आप दोबारा रीस्टार्ट करना चाहें इन्वर्टर को तो ये बटन है, इसको आपको प्रेस करना है, दोबारा से आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाएगा। ये इनपुट है AC इनपुट जो मेन में आपको लगानी है। अब ये चार्जिंग करंट है जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें स्टैंडर्ड है, हाई है, वोल्टेज का दिया हुआ है भाई, इन्वर्टर, UPS, जो भी आपके पास बैटरी है, ट्यूबलर है या फिर फ्लैट है, तो ये बटन आपको उस हिसाब से सेट करना है। और मैंने आपको बता दिया था अगर आप इन्वर्टर मोड पे लेंगे तो ये वोल्ट कितनी लेगा और UPS मोड पे ये वोल्ट कितनी लेगा, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसमें एक बाईपास का बटन दिया हुआ है और एक UPS का बटन दिया हुआ है। अब इसमें बाईपास से अगर आपको लाइट बाईपास करनी है तो यहाँ से बाईपास कर सकते हैं, या इसके थ्रू करनी है तो इसके थ्रू आप रख सकते हैं। तो ये एक अलग से इन्होंने ये नया फंक्शंस अभी माइक्रोटेक ने दिया है। ये इनपुट वोल्टेज है भाई 220 वोल्ट है और 5.32 एम्पियर ये लेगा इसी से, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। आउटपुट ये हो गई, ये 4.32 एम्पियर ये देगा, 50 हर्ट्ज वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। कैपेसिटी है इसकी 950 VA, यानी कि 760 वोल्ट ये इसकी कंप्लीट कैपेसिटी इन्होंने दे दी। ये इसका है भाई DC बस रेटिंग है 12 वोल्ट DC, 58 प्लस माइनस 2 एम्पियर। ये आपका हो गया भाई प्लस के लिए, बैटरी में जो आपको लगाना है प्लस में ये वायर लगेगी,
और माइनस में आपकी जो है ये ब्लैक वाली वायर लगेगी। ये फ़ैन दिया हुआ है, अगर आप लेना चाहें इसको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मॉडल है वैसे, देखने में इसकी लुक सही है। अगर आप भाई लोकल से लेना चाहें तो लोकल से भी लें, ये बटन्स दिए हुए हैं। और इसका जो प्राइस आपके लिए पड़ेगा, वैसे तो इसका प्राइस जो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो लगभग 4300 रुपये में हम सेल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ऑनलाइन जाएं तो उसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह का चार्ज लगता है, तो वहाँ पर इसको आपका प्राइस लगभग 4700-4800 के आसपास आपको मिलेगा। तो भैया अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई सवाल रहता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।